Okay, friend, earlier we discussed Zeeman effect in our classroom. Then what we found? We found that Zeeman effect say that the splitting of spectral line in the presence of external magnetic field. Okay. And further, the Zeeman effect are characterized in two parts. पहला क्या था? Normal Zeeman effect. And second one is anomalous Zeeman effect. Okay. In normal Zeeman effect, we found that the spinning of electron does not exist because s is equal to 0. Therefore, in normal Zeeman effect, there is only orbital motion of electron. But in case of anomalous Zeeman effect, we found that the spinning of electron exists as well orbital motion of electron also. Okay, so in anomalous Zeeman effect, there is possibility of LS coupling. ठीक, इसमें क्या होगा? LS coupling का possibility होगा. Orbital motion भी exist कर रहा है और spin motion भी exist कर रहा है, इसलिए LS coupling होगा. जैसे ही LS coupling होगा, तो वहाँ पे total quantum number J भी आएगा. Okay. तो ये सब केस हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे. ठीक है, और जो नेक्स्ट केस था हमारे पास, पॉइसन बैग इफेक्ट. इसको हमको डिस्कस करना है कि व्हाट इज पॉइसन बैग इफेक्ट. ठीक, तो पॉइसन बैग इफेक्ट और Zeeman बैग इफेक्ट में ओनली यही डिफरेंस है कि Zeeman बैग इफेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं वो क्या होता है? वीक होता है as compared to the magnetic field applied in the case of Poisson back effect. Means Poisson back effect wala magnetic field kya hoga? Strong hoga. Is it clear? Theek, magnetic field jo hum apply kar rahe hain weak aur strong hone ka matlab kya hai? Matlab jo magnetic field ki wajah se force lag raha hai kis pe? Electron ke orbital aur spin motion pe, wahi uske strength ko define karega. Theek, jaisa hum log first chapter mein discuss kiye the कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बीच भी एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है. इज इट क्लियर? ठीक, तो वो जो फोर्स है, अगर उसके अपेक्षा जो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है उसके वजह से जो फोर्स लग रहा है, जैसा कि पॉइसन बैग इफेक्ट में है, ज़्यादा है. बाहरी वाला क्या है? ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन वाले से. तो क्या होगा? L और S दोनों में कपलिंग जो है वो टूट जाती है, वो ब्रेक कर जाता है. ठीक, तो उसके वजह से क्या होगा? अब एक नया केस जनरेट होता है जो पॉइसन ने बताया था. ओके, व्हाट वी फाउंड? देयर इज ओनली वन डिफरेंस इन द केस ऑफ Zeeman एंड पॉइसन, विच वाज इन केस ऑफ Zeeman वी अप्लाई द वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इन केस ऑफ पॉइसन बैक वी अप्लाई द स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो फर्दर वी हैव टू डिस्कस पॉइसन बैग इफेक्ट और इसके क्या क्या प्रॉपर्टी थे जो चेंज होने लगे, इसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ. Zeeman इफेक्ट में क्या था? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए और ऑब्जर्व किए कि क्या हो रहा था स्पेक्ट्रल लाइन पे, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा था. तो हमने ये पाया कि स्पेक्ट्रल लाइन और ज़्यादा ब्रेक होते हुए चल जा रही थी. ठीक, ये दोनों इफेक्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे. पहले वाले में थे स्पिन क्या था? जीरो था, तो केवल एल का डिस्कस किए थे. दूसरे वाले में स्पिन भी था, ऑर्बिटल भी था, इसलिए दोनों डिस्कस किए थे. तो यहाँ पे एलएस कपलिंग हो रहा था. ठीक, इस कपलिंग पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था. किसका? इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड का. क्यों? क्योंकि बाहरी वाला बहुत कमज़ोर था इसके पीछे. ठीक, लेकिन यहाँ पर जो कपलिंग होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा बाहरी वाले के कारण, जिसके कारण ये कपलिंग को ब्रेक कर देता है और एल और एस अलग थलग पड़ जाते हैं. ठीक, ओके, तो मैं देखता हूँ उसका प्रोसेस क्या होगा. जब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, इसका फील्ड कुछ इस तरह है, ये तिरछा कुछ इस तरह. ठीक, तो इसकी वजह से क्या होगा? बाहर के फील्ड में यहाँ पे एक क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लगेगा. ओके, ठीक, अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये
सॉरी ये क्या होगा, ऑर्बिटल मोशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ये एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा,